हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के साथ में कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट कढ़ी है क्योंकि ये हम कढ़ी चने से बनाने वाले हैं, ना बेसन से, ना भिंडी से, ना पालक से, चने से। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगती है। जो हरे चने आते हैं उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चने की कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हरे चने ले लिए हैं, करीबन 1 कप है क्वांटिटी में। अच्छा, ये छीलने में ना बहुत ही ज़्यादा अटर है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। वैसे ये छिले छिलाए मार्केट में भी आते हैं। अब इसे हम पीस लेंगे, तो एक ग्राइंडिंग जार ले लीजिए। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 कप चना जो कि हमने छील के रखा हुआ है। अब इसमें हमें चाहिए फ्लेवर के लिए कुछ चीज़ें, तो करीबन 5 लहसुन की कली ले ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 1 हरी मिर्च ले ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हमें पीस लेना है। इसे ना हमें अभी तो बिल्कुल महीन पीसना है। महीन पीसने से क्या होता है ना, जो कढ़ी है ना वो अच्छी स्मूथ लगती है। अगर ज़्यादा दरदरा इसे आप रखेंगे ना तो वो ना थोड़े से दाने आते हैं, तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है ना। चलिए अब हम बना लेते हैं कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें घोल रेडी करना है। तो आप एक बड़ा बाउल ले लीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। अगर आपके पास दही नहीं है, छाछ है, तो आप छाछ का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करीबन 2 से 3 कप छाछ इसमें आप ले लीजिएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी चम्मच बेसन, आधा छोटे चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। हल्दी पाउडर इस रेसिपी में टोटली ऑप्शनल है क्योंकि ये हम हरे चने से बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो हमारी कढ़ी बनकर निकले ये हरी हरी हो, तो आप इसमें हल्दी पाउडर को स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दिया है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल दीजिएगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में हरी मिर्च भी डाली हुई है। 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और थोड़ी सी इसमें मुझे काली मिर्च चाहिए, करीबन आधी छोटी चम्मच इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फ्रेशली ग्राइंड करके उसे डाल रही हूँ और ये घोल को आपको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। दही के ना इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, तो बस एक मथनी से इसे अच्छी तरीके से मत लीजिएगा। जब ये अच्छा आपका पेस्ट रेडी हो जाए तो इसमें हम पानी डाल के इसका घोल रेडी करेंगे। इसमें करीबन 1 लीटर पानी चला जाएगा। चलिए अब हम छौंक लेते हैं हमारी कढ़ी को। तो यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई ले लीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 2 चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल देती हूँ आधी छोटी चम्मच मेथी दाने और आधी छोटी चम्मच जीरा। इसी के साथ में डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हींग। हींग कढ़ी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही में इसमें मैं डाल देती हूँ खड़ी लाल मिर्च। जैसे ही इसमें आप लाल मिर्च डालें वैसे ही इसमें आप चने का पेस्ट बना के डाल दीजिए जो कि हमने पीस के रखा था, क्योंकि ना लाल मिर्च बहुत ही जल्दी काली पड़ने लगती है और हम नहीं चाहते कि हमारी कढ़ी में कुछ भी काला हो। अब जो हमने इसमें चना डाला है ना, इसे करीबन आपको 5 मिनट के लिए भून लेना है। भूनने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फिर कढ़ी में। जब आप इसे भून लें तो बस जो हमने घोल बना कर रखा है ना बेसन और दही वाला, वो इसमें आप डाल दीजिए। गैस की फ्लेम कर दीजिए बिल्कुल हाई और इसे कंटिन्यूस आपको तब तक चलाना है जब तक इसमें एक फ्लेम नहीं आ जाती। अगर आप इस स्टेज में गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे ना, तो जो हमने इसमें दही डाला है वो फट जाएगा और फिर जो कढ़ी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो बस गैस की फ्लेम रखते हुए कंटिन्यूसली चलाइए। देखिए कढ़ी में ना एक खोल आ गई है, एक खोल आ जाए उसके बाद आप गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिए और इसे अपने आप में कढ़ने दीजिए। कढ़ी मतलब कढ़ना, कढ़ी को कढ़ना बहुत ज़रूरी है। कढ़ी जितनी ज़्यादा कढ़ेगी ना उतनी ज़्यादा अच्छी बनकर निकलेगी। कढ़ना मतलब पकना। इसे करीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे पकने में। और देखिए मैंने ना कढ़ी को करीबन 40 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ दिया था। ये अच्छी गाढ़ी हो गई है, कलर भी कितना प्यारा निकल के आया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी कढ़ी। चलिए अब इसे हम सर्व कर देते हैं। ये रोटी राइस के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
नॉर्मली हम चने का निमोना बनाते हैं, लेकिन इस बार ही आप चने की कढ़ी बनाइएगा। कुछ डिफरेंट है और बहुत टेस्टी है। उम्मीद है आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।